हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। हम लोग जो है इस टॉपिक में, आज के टॉपिक जो है हम लोगों को जो पढ़ना है वो पढ़ना है कोडोमिनेंस। मतलब ये एक जेनेटिकल फिनोमिना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि डोमिनेंस में होता क्या है कि F1 हाइब्रिड जो है उसमें कोई एक पेरेंट दिखाई पड़ता है। जैसे आप मेंडेलियन जेनेटिक्स में देखा है कि टाल और ड्वार्फ जब क्रॉस कराते हैं तो F1 हाइब्रिड में एक पेरेंट दिखाई पड़ता है जो डोमिनेंट होता है। दूसरा होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसमें दोनों पेरेंट जो है इंटरमीडिएट कंडीशन में F1 हाइब्रिड में दिखाई पड़ते हैं। लेकिन ये एक तीसरी प्रक्रिया है जिसमें दोनों पेरेंट F1 हाइब्रिड में एक साथ दिखाई पड़ते हैं और दोनों इक्वली एक्सप्रेस होते हैं। मतलब एक प्रक्रिया है जेनेटिक्स में जिसमें दोनों पेरेंट जिनकी क्रॉस कराई जा रही है वो दोनों पेरेंट F1 हाइब्रिड में इक्वली अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से एग्जांपल हैं, क्या है इस प्रक्रिया की खास बात, देखा जाए यहाँ पे। तो अगर आप देखें तो कोडोमिनेंस में हो क्या रहा है कि अगर आप इसकी डिफिनेशन लिखनी है तो आप ये लिखें, इन दिस फिनोमिना बोथ पेरेंट्स या बोथ जीन्स लिख सकते हैं। बोथ जीन्स मतलब जो दोनों जीन्स के बीच में क्रॉस कराई जा रही है, एक्सप्रेस्ड इक्वली इन F1 हाइब्रिड, एक्सप्रेस्ड इक्वली इन F1 हाइब्रिड। ये देखिए F1 जो जनरेशन है, जो F1 प्रोजनी है, चाहे हाइब्रिड में लिखिए इसे F1 प्रोजनी कहें, जो F1 प्रोजनी है उस प्रोजनी में जिन पेरेंट से क्रॉस कराई जा रही वो दोनों दिखाई पड़ रहे हैं। तो आकर आप देखें यहाँ पर साइज का एग्जांपल देख लें, दूसरा और कमेंट इसके देख लें, फिर एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि ये एक प्रक्रिया है जिसमें दोनों जीन्स जो है F1 हाइब्रिड में दोनों एक दूसरे को बराबर बराबर दिखाई पड़ते हैं। दूसरा कमेंट लिख सकते हैं, There is no blending of phenotype. Phenotype की यहाँ पर blending नहीं है, जैसा कि incomplete dominance में आपने देखा था कि phenotype blend कर जा रहे थे। Incomplete dominance में देखा था जब दोनों parents की cross कराई जाती है तो F1 hybrid pink color का आता है, जब red और white की cross कराते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको दोनों दिखाई पड़ेंगे, इसलिए दोनों phenotype की blending नहीं है। दूसरी बात देखें, both characters, ये अगला कमेंट इसके लिए, both characters express equally। ये जो दोनों characters होते हैं जिनके बीच में क्रॉस कराए जा रहे हैं वो दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं इक्वली एंड इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं, वो इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। ये देखें, अब आप इंडिपेंडेंट टू ईच अदर मतलब दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट। इतने कमेंट आपने लिखा इस प्रक्रिया में जिसमें आपने ये पहली बार डेफिनेशन के रूप में लिखी हुई है। अब आइए इन कमेंट्स को हम लोग क्लियर करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या किसके एग्जाम्पल्स है, कैसे ये कमेंट्स क्लियर किए जाए। पहला एग्जाम्पल जो इसमें दिया गया है, ये देखिए सबसे पहला कमेंट है, कोट कलर इन एनिमल्स। ये पहला कमेंट एग्जाम्पल है इसका, मतलब जानवरों में जो कोट कलर होता है उसकी बात की जा रही है। कोट कलर इन एनिमल्स, जानवरों में जो उनकी स्किन का कलर है उसमें देखा जाए कि कोडोमिनेंस कैसे एक्सप्रेस हो रहा है। ये देखिए, कोई जानवर है जो ब्लैक कलर का है, एक ब्लैक कोट कलर है, एक कोई जानवर है मतलब जिसका कलर ब्लैक कलर का है। ब्लैक आप इसको कैपिटल बी से एक्सप्रेस करते, एक कोई भी जानवर है जो ब्लैक कलर का है, इस जानवर का क्रॉस व्हाइट कोट कलर वाले जानवर से करा दिया जाए। ये देखिए, व्हाइट कोट कलर वाले जानवर से करा दिया जाए, व्हाइट कोट कलर से करा दिया जाए। ये दोनों क्या है अगर आप समझना चाहें तो, ये दोनों पेरेंट है। ये देखिए, एक जीन है जो ब्लैक कलर का है, मतलब उस जानवर का पूरा बॉडी कलर ब्लैक कलर का है, एक जानवर है जो उसकी बॉडी का कलर व्हाइट कलर का है, दोनों को आपने क्रॉस करा दिया, दोनों पेरेंट है। इससे जो गैमेट बनेगा वो कैपिटल बी बनेगा, इससे जो गैमेट बनेगा वो कैपिटल डब्ल्यू बनेगा। ये इसके गैमेट्स हैं,
ये देखिए आप, ये इसका गैमेट्स है। जब आप इनका वो कराएंगे, फर्टिलाइजेशन कराएंगे, तो ये देखिए कैपिटल बी और कैपिटल डब्ल्यू बनेगा, और ये जो कलर होगा ये F1 जनरेशन है इसका, F1 जनरेशन है मतलब पहली जनरेशन है ये। और अगर आप इसका कलर देखें तो ये जो कलर है ये मोरन कलर है। मोरन कलर क्या होता है पहले आप समझे, मोरन वो कलर है जिसमें जानवर की जो बॉडी है ब्लैक और व्हाइट दोनों कलर की है। आप फिर से इस बात को समझ लें, दो तरह के जानवर हैं, एक ब्लैक कलर के हैं, एक व्हाइट कलर के जानवर हैं, उनकी बॉडी का कलर है, दोनों का क्रॉस कराया जाता है, तो जो पहली जनरेशन आती है उस जानवर की पूरी बॉडी पे कहीं कहीं पर ब्लैक पैचेस दिखते हैं, कहीं कहीं पर व्हाइट पैचेस दिखते हैं। मतलब ब्लैक भी F1 हाइब्रिड में है, व्हाइट भी F1 हाइब्रिड में है, कोई तीसरा फिनोटाइप नहीं आ रहा है। जबकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आपने देखा था कि यहाँ रेड और व्हाइट का जब क्रॉस कराया गया था तो यहाँ कौन सा फिनोटाइप आया था, यहाँ पर पिंक आया था, मतलब वहां पर फिनोटाइप की ब्लेंडिंग हुई थी। लेकिन यहाँ पर फिनोटाइप की ब्लेंडिंग नहीं हुई है, क्योंकि F1 हाइब्रिड जो मोरन कलर का है उसमें बॉडी जो उसके जानवर की कलर बॉडी का कलर है, आपने ऐसे जानवर देखे भी होंगे कि कुछ बॉडी के कलर कुछ कुछ जगहों पर व्हाइट कलर के हैं और कुछ कुछ जगहों पर बॉडी का कलर ब्लैक कलर है। तो ऐसे में इसका मतलब ये हुआ कि ब्लैक जीन भी F1 जनरेशन में है, व्हाइट जीन भी F1 जनरेशन में है, दोनों जीन अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब आप एक बार फिर से यहाँ डिफिनेशन देख लें कि इन दिस फिनोमिना बोथ जीन एक्सप्रेस्ड इक्वली इन द प्रोजेनी। इक्वली मतलब क्या हुआ, इस पर ब्लैक भी दिख रहा है, इस पर व्हाइट भी दिख रहा है, तो दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तीसरी बात देखें, देयर इज नो ब्लेंडिंग ऑफ फिनोटाइप। अगर यहाँ पर ब्लेंडिंग हो जाती तो ब्लैक व्हाइट में कोई तीसरा कलर दिखाई पड़ता, लेकिन यहाँ ब्लैक व्हाइट दोनों दिखाई पड़ रहे हैं F1 हाइब्रिड में या F1 जनरेशन में, इसलिए मतलब फिनोटाइप की कोई ब्लेंडिंग नहीं हुई है। तीसरा कमेंट देखिए, बोथ कैरेक्टर एक्सप्रेस इक्वली एंड इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। ब्लैक और व्हाइट दोनों अपने आप पे इक्वली यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहे हैं और वो एक दूसरे के ऊपर कोई भी डिपेंड नहीं है। इस तरह से अगर आप देखें इसका और आगे अगर आप प्रक्रिया बढ़ाएं, आप इसकी सेल्फिंग कर दें, मतलब ये जो पहली जनरेशन आई है इसी को फिर से आप क्रॉस करा दें, तो अगर आप इसकी सेल्फिंग करेंगे तो इसकी F2 जनरेशन आएगी। ये देखिए आप एक ऐसे पुनेट का स्क्वायर मेथड बना लें, मैंने आपको कई बार ये बात सिखा दिया है। पुनेट का स्क्वायर मेथड बनाने के बाद आप यहाँ पर मेल फीमेल को एक्सप्रेस कर दें इस तरह से। ये देखिए इस तरफ आप मेल दिखाते हैं, यहाँ पर आपने फीमेल दिखाया, ये एक पेरेंट है जिसको कैपिटल बी कैपिटल डब्ल्यू से एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये भी पेरेंट है जिसको कैपिटल बी कैपिटल डब्ल्यू से एक्सप्रेस कर रहे हैं, इससे गैमेट बी बन रहा है, डब्ल्यू बन रहा है, इससे भी गैमेट बी और डब्ल्यू बन रहा है। ये देखिए पहला आ गया, ये कौन सा कलर है बोलिए सर, ये ब्लैक है। ये देखिए दूसरा कैरेक्टर आ गया, ये कौन सा कलर है बोलिए मोरन है, मोरन मतलब ब्लैक और व्हाइट दोनों है। यहाँ पर क्रॉस कराइए, ये देखिए ये भी कैसा कलर है, आप कहेंगे सर मोरन है मतलब ब्लैक एंड व्हाइट दोनों है। इसका जब क्रॉस कराएंगे बेटा तो ये क्रॉस आएगा व्हाइट कलर का। तो अब बताइए इसमें ब्लैक और व्हाइट कितने हैं, चार बिजाइगोट में ब्लैक एक है व्हाइट एक है, लेकिन मोरन कितने हैं, दो हैं। अगर आप इसका F2, ये कौन सी जनरेशन F2 है, अगर आप इसकी F2 जनरेशन देखें तो यहाँ पर F2 जनरेशन में आप देखेंगे कि इसका जो फिनोटिपिक रेशियो है, ये देखिए आप फिनोटिपिक रेशियो क्या है इस F2 जनरेशन का, तो ये फिनोटिपिक रेशियो अगर आप देखेंगे तो ये देखिए ब्लैक है 4 में 1, मोरन है बोलो 4 में कितने हैं 2, व्हाइट है 4 में कितना 1। पेरेंट ब्लैक है, एक व्हाइट है, F1 हाइब्रिड जो है मोरन कलर का रहा है, मोरन मतलब जिसमें आधा ब्लैक है आधा व्हाइट है बॉडी में जानवर के कोट का कलर। लेकिन जब आपने F2 जनरेशन देखा तो आप देखिए 4 जायगोट बने, मतलब 4 नए एनिमल्स बने, इसमें एक ब्लैक है एक व्हाइट है लेकिन 2 मोरन है। मोरन मैंने बताया कि ऐसा एनिमल जिसकी आधी बॉडी कलर ब्लैक है आधा जो है व्हाइट है, उसे हम लोग मोरन कलर कहते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर ब्लैक मोरन और व्हाइट का जो रेशियो आया है 1:2:1 आया है, ये फिनोटिपिक रेशियो है F2 जनरेशन का। लेकिन अगर आप इसका जीनोटिपिक रेशियो देखें, इसका अगर आप जीनोटिपिक रेशियो देखें तो मैं आपसे अगर पूछूं कि इसका जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा तो आप कहेंगे सर बहुत आसान है, आप देखिए 1 इसमें ब्लैक होगा, 2 इसमें व्हाइट मोरन होगा और 1 इसमें व्हाइट होगा, इसलिए इसका जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 आएगा। इस तरह से अगर आपसे कोई पूछे कि कोडोमिनेंस में F2 जनरेशन का रेशियो क्या आएगा, F2 जनरेशन का रेशियो क्या आएगा,
तो एफ टू जनरेशन का अगर आपसे कोई पूछे कि सर इसका फिनोटिपिक रेशियो क्या है, फिनोटिपिक रेशियो क्या है, तो आप कहेंगे सर इसका फिनोटिपिक रेशियो है 1:2:1। दूसरा देखें आप जीनोटिपिक रेशियो, अगर आप देखें तो जीनोटिपिक रेशियो भी इसका है, आप अगर आप देखें तो 1:2:1 है। इसका मतलब अगर आपको याद हो तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एक करेक्टरिस्टिक फीचर था कि एफ टू जनरेशन में फेनोटाइप का और जीनोटाइप का रेशियो 1:2:1 होता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एफ वन पेरेंट जो मतलब जो पेरेंट्स हैं वो एफ वन हाइब्रिड में इक्वली एक्सप्रेस होते हैं और वो एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए ब्लैक है, यहाँ व्हाइट है, यहाँ ब्लैक व्हाइट आपको दोनों दिखाई पड़ रहा है। जब दोनों इक्वली एक्सप्रेस होंगे तो कोडोमिनेंस, इंटरमीडिएट कंडीशन में एक्सप्रेस होंगे तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और उसमें से कोई एक दिखाई पड़ेगा तो वो डोमिनेंस होगा। इस तरह से ये पहला एग्जाम्पल है कोडोमिनेंस का। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो कोडोमिनेंस में पहला एग्जाम्पल हमने आपको जो सिखाया वो ये सिखाया कि कोड कलर एनिमल्स में। दूसरा जो कलर है, जो दूसरा एग्जाम्पल है वो इसका है एबी ब्लड ग्रुप। ये देखिए ये दूसरा एग्जाम्पल है कोडोमिनेंस का, जिसे आप कह रहे हैं सर ये एबी ब्लड ग्रुप है। ध्यान से सुने आप, ये एबी ब्लड ग्रुप है, ये एबी ब्लड ग्रुप नहीं है, एबी ब्लड ग्रुप है। तो एबी ब्लड ग्रुप को अगर आप एक्सप्रेस करते हैं तो एबी ब्लड ग्रुप को आप एक्सप्रेस करते हैं आई ए और आई बी से। ये एबी ब्लड ग्रुप है, इसका मतलब ये हुआ कि इस एबी ब्लड ग्रुप में इस आरबीसी की सरफेस पे दो एंटीजन है लेकिन इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, ये इसकी मीनिंग हुई। लेकिन अगर आप एबी ब्लड ग्रुप को देखें, इस एग्जांपल को आप और क्लियर करें, तो ये देखिए एक पेरेंट है जो ए ब्लड ग्रुप का है, ए ब्लड ग्रुप को ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, ये होमोजाइगस ए ब्लड ग्रुप है। इस पेरेंट को जब हम लोग होमोजाइगस किसी दूसरे पेरेंट बी से क्रॉस कराते हैं तो देखिए बी ब्लड ग्रुप जो है ये पेरेंट्स हैं और ये दोनों पेरेंट होमोजाइगस कंडीशन में है। होमोजाइगस मतलब ये जो एलील है ब्लड ग्रुप के ये सेम है और ये ए ब्लड ग्रुप है, ये बी ब्लड ग्रुप का एक पेरेंट है। अब आपने क्या कहा कि सर इससे देखिए जो गैमेट बनेगा वो एक तरह का बनेगा क्योंकि ये होमोजाइगस है, इससे जो गैमेट की बात हो रही है वो भी होमोजाइगस है, तो यहाँ पे एक ही तरह गैमेट बनेगा। अगर ये गैमेट होंगे जिनके पास ये ब्लड ग्रुप का एंटीजन है, तो आप ये देखिए जब ये दोनों क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर क्या कंडीशन होगी, ये देखिए ये जो F1 प्रोजनी है, जो F1 प्रोजनी है, इस F1 प्रोजनी में आप देखें ध्यान से ए ब्लड ग्रुप भी दिखाई पड़ रहा है, एक ये वाला पेरेंट भी दिख रहा है, ये भी पेरेंट दिख रहा है। यहाँ पर दोनों पेरेंट्स इक्वली एक्सप्रेस कर रहे हैं और उनके फिनोटाइप की ब्लेंडिंग नहीं हो रही है, जबकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में अगर आप देखें तो फिनोटाइप की ब्लेंडिंग होती है। अगर इसका आप क्रॉस कराएंगे तो इसका ब्लड ग्रुप फिर से वही आएगा, 1:2:1 आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि कोडोमिनेंस में, ये कोडोमिनेंस का जो केस है, इस केस में दोनों पेरेंट F1 प्रोजनी में इक्वली एक्सप्रेस होते हैं और इनका जो एफ टू जनरेशन का जीनोटाइप और फिनोटाइप का रेशियो होता है 1:2:1 होता है। इसका तीसरा अगर आप एग्जाम्पल देखें, इसका अगर आप नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें एबी ब्लड ग्रुप के बाद, तो इसका जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है सिकल सेल एनीमिया। ये देखें सिकल सेल एनीमिया इसका तीसरा एग्जाम्पल है। तो इसका जो तीसरा एग्जाम्पल है कोडोमिनेंस का वो है सिकल सेल एनीमिया, लेकिन सिकल सेल एनीमिया पूरा कहना गड़बड़ हो जाएगा, इसके नीचे हमको एक शब्द लगाना पड़ेगा, इसे हम लोग कैरियर कहते हैं। मतलब कैरियर वो व्यक्ति है जिसको डिजीज से वो उसकी डेथ नहीं हो रही बल्कि वो कैरी कर रहा है। मेनली कैरियर तो फीमेल्स होती हैं, लेकिन इस केस में थोड़ा सा डिफरेंट मामला है, आइए देखा जाए। तो सिकल सेल एनीमिया में आप जैसे जानते हैं कि आरबीसी सिकल शेप्ड हो जाती है, ये जो है एक जेनेटिकल डिसऑर्डर है, लेकिन अगर आप इसका क्रॉस देखें तो ये एक व्यक्ति है जो नॉर्मल व्यक्ति है, जिसको हम लोग एचबीए से एक्सप्रेस करते हैं, मतलब इसको नॉर्मल, इसको हीमोग्लोबिन है, ये एक नॉर्मल पर्सन है, इसको इसके आरबीसी का शेप नॉर्मल है। देखिए ये दूसरा व्यक्ति है, ये देखिए जिसकी स्थिति कुछ इस तरह की है, ये सिकल सेल एनीमिक पर्सन है, मतलब इसको सिकल सेल एनीमिया है, ये सिकल सेल एनीमिक पर्सन है जो सफर कर रहा है इसको। अब अगर आपसे पूछूं कि इसमें जो है कौन सा नॉर्मल है, ये होमोजाइगस है, ये हेटरोजाइगस बोली यहाँ सर, तो अगर इससे आप गैमेट देखें तो इससे गैमेट केवल एक तरह गैमेट बनेंगे, ये गैमेट बनेंगे सिर्फ एक तरह का, क्योंकि ये होमोजाइगस है। लेकिन अगर आप इससे देखेंगे गैमेट दो तरह के बनेंगे, पहला जो गैमेट बनेगा वो होगा एचपीए, दूसरा गैमेट होगा जिसे हम लोग कहेंगे एचपीएस। अगर आप इसका क्रॉस कराएंगे तो ये देखिए इसकी आधी संतानें ऐसे नॉर्मल होंगी,
HBA, HBA, ये देखिए ये सारी संतानें नॉर्मल होंगी। लेकिन अगर आप ये देखें तो इसमें अगर आप देखें तो ये पेरेंट है, ये देखिए HBA, HBS, ये सिकल सेल एनीमिक पर्सन होगा, सिकल सेल एनीमिक पर्सन होगा। अगर आपको इसकी बात समझनी है तो बेटा ऐसे समझें आप कि इसकी जो आरबीसी होगी इस व्यक्ति की, इसकी जो आरबीसी होगी इस व्यक्ति की, ये देखिए 50% आरबीसी नॉर्मल होगी, 50% नॉर्मल आरबीसी होगी, नॉर्मल आरबीसी होगी, और 50% सिकल सेल एनीमिक आरबीसी होगी, सिकल सेल्ड होगी। ये देखिए तो इस तरह से आपको अगर आप समझें इस पॉइंट को समझें तो ये तीन एग्जांपल्स है कोडोमिनेंस के, जिसमें कोडोमिनेंस मैंने आपको समझाया कि F1 पेरेंट जो है वो इक्वली, ये जो पेरेंट्स हैं वो इक्वली F1 जनरेशन एक्सप्रेस करते हैं, फिनोटाइप की ब्लेंडिंग नहीं होती है, और इनकी जो F2 जनरेशन का रेशियो होता है वो 1:2:1 होता है, चाहे वो जीनोटाइप हो चाहे फिनोटाइप हो। जैसा आपने देखा तीन एग्जांपल्स हैं, कोड कलर में आप देखा, फिर आपने एबी ब्लड ग्रुप देखा, और फिर आपने सिकल सेल एनीमिया वाला कांसेप्ट देखा कि जिसमें एक नॉर्मल व्यक्ति की आरबीसी है और एक व्यक्ति है जिसकी आरबीसी 50% डिस्टर्ब है, मतलब सिकल सेल की है और 50% नॉर्मल है। आपने जब क्रॉस कराया, क्योंकि इसका जो तीसरा टाइप है अगर आप ये देखें तो ऐसे व्यक्ति दुनिया में सर्वाइव नहीं करते हैं, क्योंकि इनकी पूरी की पूरी आरबीसी जो है कैसी होती है, सिकल सेल होती है, इसलिए इनकी डेथ हो जाती है। ये आपको मिलेगा ही नहीं, तो ये दो तरह के लोग ही आपको इस केस में मिलेंगे। और इनकी जब क्रॉस होगी तो कुछ इसके 50% बच्चे जो है नॉर्मल होंगे, 50% बच्चे ऐसे होंगे जिनकी 50% आरबीसी नॉर्मल होगी, और 50% जो की आरबीसी है वो सिकल सेल्ड होगी। इस तरह से ये तीन एग्जांपल्स है कोडोमिनेंस में, जिनमें F1 पेरेंट्स जो, जिनमें जो पेरेंट्स हैं या जो जिनमें जो जीन्स हैं वो इक्वली एक्सप्रेस होते हैं F1 हाइब्रिड में। ये आपको ध्यान रखना है, और इसका जो जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो है मैंने आपको पहले करके दिखाया था, वो 1:2:1 होता है।